हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी सी इफ्तार स्पेशल रेसिपी ब्रेड स्टिक कोन की, जो बहुत इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। ये मैंने 2 मीडियम साइज का आलू ले लिया था बॉयल करके, अब इसको हम मैश कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैशर की हेल्प से हम मैश करेंगे, जिससे कि कोई भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, आलू मेरा मैश हो गया है। 1/3 टीस्पून लेंगे हल्दी, 1/3 टीस्पून ले लेंगे रेड चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून ले लेंगे काली मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम ले लेंगे जीरे का पाउडर, और चिली फ्लेक्स ले लेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगिनो ले लेंगे 1/2 टीस्पून, और ये मैंने हरी मिर्चे का ले लिया है, और 2 टेबल स्पून हम ले लेंगे गाजर, और 1/2 टीस्पून ले लेंगे नमक, और 1 स्मॉल साइज की मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने आमलेट कट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, और 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है चीज। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा, जिससे नमक में जो भी मैंने ऐड किया सब अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से मिल गया है। अब इसे हम साइड कर देंगे। इधर मैंने एक बाउल में 1 अंडा ले लिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा ऑरिगिनो डालेंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे, इसको साइड कर देंगे। 1/3 टीस्पून मैंने मैदा ले लिया है, इसमें डाल देंगे ऑरिगिनो, और थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे और नमक डाल देंगे, और इसका एक अच्छा घोल बनाएंगे। ये देखिए, 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया है, और इधर मैंने 1 ब्रेड ले लिया है, उसके साइड के किनारों को हम निकाल देंगे इस तरह से। इसी तरह से सारी ब्रेड के हम किनारों को निकाल देंगे, और 1 रोलर की हेल्प से इस तरह से इसको इस तरह बेल लेंगे। देखिए, जिससे कि पतली हो जाए बेल मेरी ब्रेड ना, तो हमको कोन बनाने में आसानी हो जाती है। इसी तरह से हम सारी ब्रेड का, आपको जितना भी बनाना है उसका, हम इस तरह से रोल चला लेंगे रोलर से, बेलन से। ये देखिए, बहुत अच्छे से मेरी हो गई है, चारों तरफ से मैंने बेल लिया है। अब इसमें हम जो मैंने अंडे का वो बनाया था घोल, अब उसको हम अंडा साइड में लगा लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हम देखिए, 1 कोन पकड़ के ऐसे दोनों को हम सटा देंगे। बहुत अच्छे से इसको चिपका दबा दीजिएगा, चिपक जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए, अब इसके हम बीच के साइड को काटेंगे इस तरह से, और उसमें जो मैंने आलू का स्टफिंग बनाया था ना, उसको डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे चीज स्लाइसेस वाला। मैंने चीज लिया, आप जो भी चीज डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वह स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसके साइड के में हम फिर अंडा लगाएंगे, और इस तरह से बीच में हम स्टिक लगा देंगे। स्टिक लगाने के बाद हम इसको चिपका देंगे, बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा। देखिए कितना अच्छा कोन बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह एक और हम आपको बना के दिखा देते हैं। इस तरह से अंडा लगाएंगे, और 1 कोना पकड़ेंगे, और दूसरे कोने को पकड़ के हम इस तरह से चिपका देंगे इस पर। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, एक बार बना के ट्राई जरूर करिएगा। अब इस तरह से हम आलू इसमें भर देंगे, और उसके किनारे पर हम अंडा लगाएंगे, और थोड़ा चीज डाल दिया मैंने बीच में। ये देखिए, अंडा लगा, अब इसमें स्टिक लगा देंगे। इस तरह से हम उसको कवर कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से सारे कोन हम बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारे कोन मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब इधर हम करते हैं, इधर मैंने जो मैदे का घोल बनाया था, और ये मैंने ले लिया है। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम से मैंने कोडिंग कर दिया। इसी तरह से सारी कोन की हम ब्रेड से कोडिंग कर देंगे, मैदे में डीप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में हम कोडिंग करेंगे इसकी। आप चाहें तो इसको बनाकर फ्रीज में भी रख सकते हैं, फ्रीजर में रख दीजिए, 1 महीना आराम से रख सकते हैं। इधर मैंने ऑयल गरम कर दिया था, और उसमें अब हम डीप फ्राई करेंगे। 2 से 3 आप डाल दीजिए। ये देखिए, बहुत अच्छे से मेरा फ्राई हो रहा है।
उलट पलट कर ये मेरा तैयार हो चुका है। अब चलिए हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सा ब्रेड कोन बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मजेदार बनता है, एक बार इसे बनाइएगा जरूर। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे बनाइए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी कोन की रेसिपी कैसी लगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।